गुड मॉर्निंग क्लास सीनियर केजी। सो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करिए, ठीक है? खेलिए भी, और खेलने के साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, ओके? सो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 3 बुक फिल करेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए फटाफट से, ताकि हम लोग बुक फिल कर सकें। और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है वो बुक्स ले लीजिए, क्योंकि आपके पास जब तक बुक्स नहीं होगी तब तक आप लोग कैसे फिल करोगे, है ना? तो इसलिए बुक्स ले लीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से बुक्स पढ़ भी सकिए और फिल भी कर लीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स, चैप्टर 3। हाँ, तो हमारा चैप्टर 3 क्या था? आवर सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हमारी इंद्रियाँ। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5। कौन कौन से? आइज, नोज, स्किन, ईयर्स, टंग। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना? और जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है तो वो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम बुक फिल करेंगे, ओके? फिर उसके बाद ये भी मैंने आपको फिल करवा दिया था, राइट टी फॉर ऑब्जेक्ट्स यू वुड लाइक टू टेस्ट एंड एस फॉर दोस यू वुड लाइक टू स्मेल, ओके? अब आज हम लोग उसके बाद की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? पेज नंबर 12 ओपन कर लो। देखो एक्सरसाइज क्या लिखा है, ए, अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर देखो ये जो दो ऑप्शन दिए हैं इसको आपको सही ऑप्शन पे अंडरलाइन करना है। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वी सी विथ आवर आइज या नोज, यानी कि हम लोग देखने का काम किससे करते हैं, हम लोग किससे देखते हैं, अपनी आइज यानी आँखों से या नोज यानी नाक से। किससे देखते हो आप लोग? आइस, आइस से देखते हो ना, आँखों से। तो देखो ये मैंने आइस के ऊपर टिक किया है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे, ठीक है? फिर उसके बाद देखो नंबर 2, वी स्मेल विथ आवर ईयर्स या नोज, यानी कि हम लोग किससे सूंघते हैं, सूंघते हैं स्मेल, ठीक है? ईयर्स यानी कान से या नोज यानी नाक से। तो किससे सूंघते हो आप लोग? नोज से ना, तो नोज के नीचे अंडरलाइन कर दो, ठीक। फिर उसके बाद देखिए नंबर 3, वी फील द टच विथ आवर स्किन या टंग, यानी कि हमें छूने से किस में महसूस होता है, ठीक है? यानी हम किस चीज़ की फीलिंग करते हैं, किसको छूने पर, टच करने पर हमें महसूस होता है, स्किन यानी त्वचा या टंग यानी जीभ, किसको छूने से महसूस होता है, स्किन को ना, तो स्किन के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए हमारी त्वचा को, ठीक है? फिर उसके बाद है नंबर 4, वी हैव 2 या 3 आइज, यानी कि हमारे पास कितनी आँखें हैं, 2 या 3, कितनी आँखें हैं, सबकी कितनी आँखें होती है। जैसे इस समय देखो आपकी कितनी आइज है, 2 है ना, तो 2 के नीचे आप लोग अंडरलाइन कर लो, ठीक है? ये आपका ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज बी, ठीक है? एक्सरसाइज बी देखिए क्या है, टिक और क्रॉस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं अगर सही हैं सही का निशान लगाना है, गलत है तो गलत का निशान लगाना है, ठीक है? फर्स्ट है हमारा, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। सही है कि गलत, आप लोग बताओ पहले, सही है ना, तो सही का निशान लगाइए, देखिए। फिर उसके बाद है हमारा नंबर 2, वी हैव 2 नोजेस एंड 1 आई,
यानी कि हमारे पास दो नाक और एक आँख है। है किसी के पास आप लोगों में से, किसी के पास है दो नाक और एक आँखें? नहीं है ना, क्योंकि हमारी दो आँखें और एक नाक होती है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप लोग गलत का निशान लगा लो। ये देखो छोटा छोटा बॉक्स बना है ना, इस पर आपको सही और गलत का निशान लगाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 13। नंबर 3, वी सी फ्लावर्स विद आवर आइज, यानी कि हम अपनी आँखों से फूल को देखते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग देखने का काम आँखों से ही करते हैं, तो फ्लावर्स हो या कुछ भी हो, देखेंगे तो हम लोग अपनी आँखों से ना। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इसके आगे सही का निशान लगा लो। फिर देखो नंबर 4, वी टेस्ट आइसक्रीम विथ आवर टंग, यानी कि हम आइसक्रीम का स्वाद अपने जीभ से लेते हैं। हाँ, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगा लीजिए। ठीक है, तो देख लो, नंबर 1 हमारा सही, नंबर 2 हमारा गलत, नंबर 3 हमारा सही एंड नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, तो ये वाली भी एक्सरसाइज हो गई आपकी। अब इसके बाद क्या है, मैच द फॉलोइंग सेंस ऑर्गेन्स विद देयर फंक्शंस, यानी कि ये आपके देखो सेंस ऑर्गेन्स दिए हुए हैं और इसको उसके कार्य से मैच करना है कि कौन से इन सेंस ऑर्गेन से हम कौन सा काम करते हैं। जैसे देखो, ये आपकी आइज बनी है, ये आपका नोज बना है, ये आपके ईयर्स बने हैं, ये आपकी टंग बनी है, ये आपका हैंड बना है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये अपने हैंड को दिखा रहा है, फिर देखो ये कार्टून देख रहा है, फिर देखो ये आइसक्रीम खा रहा है, फिर देखो ये रोज़ को महक रहा है, और इसको देखो ये गाना सुन रहा है ना। तो अब इसको हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, नंबर 1 है हमारा आइस, ठीक है, तो आइस को हम लोग बी से मैच करेंगे। देखो ये कार्टून देख रहा है, तो किससे देख रहा है, आँखों से ही देख रहा है ना। तो नंबर 1 को आइस को बी से मैच कर लीजिए। फिर है हमारा नंबर 2 नोज, तो नोज को डी से मैच करो। देखो ये फूल को महक रहा है, सूंघ रहा है, तो ये किससे सूंघ रहा है, नाक से सूंघ रहा है ना। तो बी को, सॉरी नंबर 2 को, नोज को डी से मैच कर लीजिए। फिर उसके बाद है हमारा नंबर 3 ईयर्स, तो ईयर्स को देखो, ये देखो ये सुन रहा है ईयरफोन लगा करके, है ना, तो सी को ई से मैच कर लो। फिर उसके बाद है नंबर 4, ये अपनी टंग दिखा रहा है, ये देखो ये टंग है इसकी। फिर ये देखो ये आइसक्रीम खा रहा है, इसका टेस्ट ले रहा है ना, तो नंबर 4 को सी से मैच कर लो। फिर उसके बाद हमारा नंबर 5, ये देखो ये हैंड है, स्किन है, तो स्किन देखिए ये अपनी स्किन को क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो नंबर 5 को आप लोग ए से मैच कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये मैचिंग हो गया। इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोग इसको बुक फिल कर लीजिए। अब इसके बाद है आपका चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नहीं, बट ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है। ठीक है, ये आप कॉपी में नहीं करेंगे। कॉपी में जो करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी, कॉपी में करके बताऊंगी। ठीक है, इसमें से आपको कॉपी में नहीं करना है, याद रखिएगा। ओके, गुड बाय, जल्दी जल्दी से आप लोग अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।